तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं गवर्नमेंट नर्सरी। ये जो कोने के साइड में पड़ता है, बिलासपुर से 2-3 किलोमीटर दूर है बस। और ये हमारा देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो मेरी मम्मी खड़ी है, मेरा वेट कर रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग गवर्नमेंट नर्सरी आ चुके हैं। आपको सिर्फ कोने के सीधा सीधा आना है अगर आप बिलासपुर में रहते हैं तो। अगर आप बिलासपुर कभी आ रहे हैं तो बिलासपुर से मात्र 2-3 किलोमीटर है, उसके बाद कोने में आपको गवर्नमेंट नर्सरी पड़ जाएगा। ये गेट से आपको एंटर करने मिलेगा और पहले गेट से आपको एंटर करने नहीं मिलेगा। तो मेरी मम्मी वेट कर रही, चलो हम लोग चलते हैं दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज का। देख लो कितने सारे पेड़ है यहाँ पास, वैसे तो मौसम यहाँ का अच्छा ही होगा। और ये हमारी ब्लेजर कॉम्बिनेशन आप लोग को भी समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा था। अब ये अशोक ट्री है, ये अशोक ट्री है। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्लांट से। ये हमारा अशोक ट्री है और ये हमारी विद्यापति है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फूजा, फूजा इंग्लिश है। अब किसी को तो बोलते हैं तब कुछ तो बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे, मतलब ये हम लोग का वे है, ये हम लोग का सनफ्लावर है। एंट्रेंस है, वहीं पर ये शो के लिए लगे हुए सारे प्लांट। यहाँ पर हर चीज सस्ता मिल जाएगा आपको, बहुत सस्ता सस्ता मिल जाएगा। हाँ, एक जोरा इतना ज्यादा ब्लूम्स हुआ, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बंच ऑफ फ्लावर आए हुए हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर कलर, रेड कलर के फ्लावर है, पूरा सिक्योर है। हम लोग यहाँ से कुछ चोरी वोरी नहीं कर सकते, मतलब अगर मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी यहाँ की, टाइट है। A few minutes later, ऐसा सीधा सीधा इधर था ना शायद, ये केले का पत्ता नहीं है? हाँ, ये केले का पत्ता जो पूजा उजा में, ये बनाना है, मतलब बनाना पाम है। हाँ तो बनाना पाम ही तो, पाम दूसरा होता है। और ये है चंपा, देखिए रेड कलर है, रेड कलर की चंपा। प्लांट इधर है पूरा, हम लोग खरीद कहाँ से सकते हैं मतलब? अच्छा वो तो उधर बोल रही है, देखते हैं क्या है। हम लोग भी अभी फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पर, थोड़ा तेज बोल, फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, देखते हैं हमको कहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं। एकदम हरा हरा दिख रहा है ना, ये पॉलिथीन में लगे लगे जमीन में, नहीं पॉलिथीन चले गए बिल्कुल से। हाँ वो मिट्टी के वजह से पूरा बारिश में धस गए पता है। ये देखो अरेलिया की वैरायटी है, बहुत ब्यूटीफुल सी, ये वाली अरेलिया। अरे ये देखिए वेरिएटेड भी है और बहुत सुंदर सा प्लांट। इनका प्राइस पता है आपको? हाँ तो मैं ही देखा था आपको अगला। अच्छा पूरा आपके इधर पूरा देख रेख करना है? देना लेना मोर रहता, 3 बजे मनाहित में चल दूंगी। अच्छा आदमी देंगे, 7 से 12 मोरे ड्यूटी रहते, 3 के बजाय 7। क्या प्राइस है ये वाले का? 25 रुपए सब सब पूरा, जितना है जितने उतने कोई भी ले लो, पूरा यहाँ से पूरा ये पूरा 25 से। यहाँ पर जितने भी प्लांट दिख रहे हैं ना आपको, ये तुलसी भी, अच्छा तुलसी 20 रुपए का है, ये तुलसी 20 रुपए है, बाकी जितने भी है सब 25 रुपए का है, बहुत ज़्यादा सस्ता है यहाँ पास। आपको आगे भी दिखा देता हूँ मैं, गवर्नमेंट नर्सरी है कोने के आगे आना है बस आपको सीधा सीधा, बहुत अच्छी जगह है, एकदम हरी भरी जगह है। यहाँ पास मम्मी इसको खरीद रही है, क्या है मम्मी है? अरेलिया जो कि बिल्कुल 25 रुपीज का है, पूरा सब 25 का। इधर उधर आप लोग को कुछ दिख रहा है? वो देखो लौकी है, उधर लौकी है ना, कितनी बड़ी लौकी है, कुछ ज्यादा ही बड़ी है। वो कौन से लियो मम्मी? अरेलिया की वैरायटी है, ये देखो ये भी 25 रुपए ना। हाँ ये भी अरेलिया है, हाँ। और इसका सिंगल प्लांट ही है, क्या नाम है इसका? लकी बैम्बू है क्या?
लकी बम्बू है ये। गंधराज 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 कौन सा है? ये वाला, ये गंधराज है, बदबू मारता है ये। बड़ा बड़ा सा। हाँ। तो गंध क्यों? नहीं, सुगंधराज भी बोलते हैं उसको। अच्छा, गंध और सुगंधराज, मतलब मेरे को लगा कि बदबू मारता है स्टार्टिंग में। वो नारियल के ऊपर जो इतना बड़ा बड़ा है। हाँ, नारियल तो फला है, देखना। आप लोग को दिख रहा है नारियल? हमें तो नहीं दिख रहा है, हमारे कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो रहा है। ये तो पूरा अंदर घुस गया ना बारिश की वजह से, और आगे कुछ नहीं है, ये सब है कोई बटरफ्लाई। क्या चीज है ऐसे ऊपर से क्या जो लाल लाल पत्ता हो? अच्छा, क्या बोली? तो ये पैकेट में लगा हुआ नहीं मिलेगा क्या? पॉइंसेटिया कहाँ है? हाँ हाँ, लौकी दिखा देता हूँ मम्मी, वो सामने लौकी है ना वो। हाँ, कितनी बड़ी है वो, पूरी फैमिली चार दिन का नाश्ता खाना बन जाएगा वो, चार पांच दिन एक हफ्ता चल जाएगा वो लौकी। वो लौकी कितने का है? अच्छा, बेचने के लिए नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा बड़ा है ना यहाँ पास, अलग अलग डिजाइन के। उधर भी पूरी लौकी लौकी, साइड में ना इतने भी सब लौकी टंगे। तुम दोनों को ले रहे हो ना मम्मी? कौन सा ले रहे हो आप? इसका नाम पता है आपको? ड्रेसिना ही है। सब ड्रेसिना है। अच्छा, ग्रीन वाला वैरायटी है ये? ग्रीन वाला वैरायटी, ये देखिए ड्रेसिना की ग्रीन वाली वैरायटी, सुंदर लग रहे हैं। अभी फिर से धूप हो गया, धूप में एकदम अजीब लगते, एकदम चक्कर चक्कर आते हैं, पानी भी नहीं पिए हैं। गुड़हल, गुड़हल की ये नहीं मिलेगा? ये हाइब्रिड है कि देसी है? देसी है, देसी है। तो इसका पौधा नहीं है आपके पास? कटिंग लगी है ऊपर बेचारे का। अरे, और आप इसे कटिंग नहीं दे सकते मुझे? कहाँ है वो? फिर कौन मिला काट दे? कहीं से भी एक मोटा तो काट निकल गए। तो आप निकाल दो एक कटिंग। नहीं जाएगा, नहीं लग जाएगा, मैं लगा लूंगी, आप दे दीजिए। तो काला काट है दांत से? आपके पास वो नहीं कटर? मम्मी फिर बाद में आके फिर ले जाएंगे ना अगर निकालेंगी तो। पूरा जंगल घास घास ज्यादा है यहाँ, ये देख रहे हो पूरा हर एक चीज गिर गया है यहाँ पर। मिल गया कटिंग, फाइनली कटिंग मिलते हुए। बहुत सुंदर कलर है, लेकिन पत्तियां अलग अलग क्यों है? ये अलग है क्या ये वाली डाल? नहीं नहीं नहीं, इसका इसका पत्ती अलग निकल रहा है। एक ही पेड़ है जब उसमें तो अलग अलग कैसे? हाँ, ये पोंगा है। अच्छा, ये कहाँ एक ही पेड़ पे है? हो गया, चले। ये दोनों पेड़ मम्मी ली हैं, यही दोनों लियो ना, मैं क्या बोलते इसको, अरेलिया। अरेलिया का अलग अलग प्रजाति हम लोग यहाँ पास लेते हुए पर घर को जंगल बनाते हुए। मम्मी ये और ड्रेसिना और ये गुड़हल, गुड़हल की कटिंग ली है मैंने छोटी सी। गुड़हल की कटिंग है यहाँ पास, अच्छी लग रही। तो पेड़ बहुत अच्छा दिख रहा था अलग से। दादी एडवाइस देते हुए तो हम लोगों ने पेड़ यहाँ पास ले लिया है। यहाँ पास इसको बंद कर रहे हम लोग, रुको इसको अच्छे से पकड़ लेते हैं। ये देखो लाल वाला भी गुलाबी, लाल नहीं रहता है, लाल वाला कनेर भी गुलाबी है। कनेर किसको बोलते हैं? हाइब्रिड वाला कि देसी वाला? देसी है। ये कहां का पौधा है? ये क्रोटन, ऐसे क्रोटन। यहाँ पास हमारे बहुत सारे और पेड़ है, देख रहे हो पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, आप लोग को लोटस भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पास लोटस भी है, वो देखो लोटस। क्या हुआ? एकदम पूरा दूर दूर तक देख लो आप लोग, वहां पर अभी पेड़ ओड़ नहीं लगा है अभी।
हाँ मम्मी। अरे डरते क्यों हो कुत्ते जी। नौ बजवा बोल रहे हो? ये प्लांट है वो पूरा वो कौन सा प्लांट लियो मम्मी? जेट्रोफा। कितने का है? अच्छा जेट्रोफा 25 रुपए का है वो। बाद में अगली बार आऊंगी। कटिंग अभी आप लगाए हो ना? हाँ तो मैं कुछ दिन बाद ले जाऊंगी। ये कौन सा प्लांट है मम्मी? ये कौन सा है? एक्जोरा। गाइस तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। इससे हम थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे। मेरी मम्मी जब कुछ ज़्यादा हो जाएंगी तो आप लोग एक लाइक करो और फिर हम लोग ऐसी वीडियो और लाएंगे अलग अलग जगह जाके। क्रोटन, ये हमारा क्रोटन है और बहुत ये कौन सा पेड़ है? ये कौन से? जेट्रोफा जो ले रहे थे वही। जेट्रोफा बड़े पत्ते के भी 25 रुपए। यहाँ पर एक बात अच्छी, यहाँ पर आप छोटा लो चाहे बड़ा लो चाहे बहुत बड़ा लो, सबका प्राइस एक ही है, 25 रुपए। मतलब हर प्लांट का प्राइस एक ही है। अब बड़े बड़े प्राइस तो मेरे को नहीं पता, जैसे अडेनियम बहुत महंगा आता है तो इसका प्राइस हम लोगों ने तो पता किया नहीं है। मेरे ख्याल से होगा भी नहीं यहाँ पास, नहीं होगा। हम लोग आगे चल के देखते हैं, अगर होगा तो आप लोग को उसका प्राइस भी बता देंगे। अडेनियम की वैरायटी भी है क्या यहाँ? नहीं है अडेनियम। नहीं है अडेनियम, ये तो भी 25 में मिल जाता है। वो महंगा आता है ना। जैसा कि गाइस मैंने बोला था कि अडेनियम का नहीं होगा शायद, फिर मुझे लगा कि होगा पर गाड़ियाँ पल्ले आ गई है, बिक जाते हैं। गाड़ी अंदर ला सकते हैं? हाँ चलो गाड़ी लेके आ जाते हैं हम लोग। मम्मी उधर बिलिंग करवा लो, वो हम लोग की गाड़ी खड़ी है प्लेजर। ये मैं हूँ। अभी दोपहर के 2 बज रहा होगा कम से कम, क्योंकि हम लोग आज बहुत सारी नर्सरी घूम चुके हैं और सबका वीडियो इसी चैनल पे आएगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलो हम लोग आगे चलते हैं। वो मम्मी खड़ी है वहाँ पास। क्या हो गया? क्या हो मम्मी? ओह डॉगी। चलो बिलिंग का टाइम हो गया है। इस पेड़ों का बहुत सारे ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 है ना। हाँ 6 प्लांट ले रही हैं और सबका नाम तो आपको बता ही दिया हूँ मैं। ये देखो इधर से, ये देखो वहाँ पास दादी की अम्मा जो कि हमारी बहुत ज़्यादा काम आ गई, बहुत मदद की। तुम लोग इधर का प्लांट में अच्छे से दिखाया ही नहीं था, रुको। अरे कुत्ता तो मुझसे ही डरे जा रहे हैं, मैं बताऊँ मैं कुछ किया भी नहीं हूँ तब भी यार इतने अच्छे बच्चे से डर जाता है। इस साइड देखो, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये सब फ्री है। और लाइक कर देना जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहें। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय।